मणिपुर से हम चल रहे हैं और हम मुंबई तक जाएंगे। न्याय का हक मिलने तक हम ये हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। जिस तरीके से सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने आज यहाँ पे और इतने दिनों से वो दिखा रहे हैं इस एकदम पीसफुल यात्रा का वो अपोजिशन कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारी गाड़ियों पे हमला करवाया है, जिस तरीके से उन्होंने कल मंदिर जाने से राहुल जी को रोका है, ये मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र की हत्या नहीं, हमारे धर्म के फॉलोअर्स की हत्या है। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से हक से किसी भी हिंदू को या किसी भी धर्म के इंसान को कोई भी अपने मंदिर में जाने से रोक सकता है? ये बहुत किया है गलत उन्होंने और इसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। असम की जनता इस बात का जवाब उनको जरूर देंगी। हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे और जब तक हमें यहाँ पे पूरी तरीके से जाने की परमिशन नहीं मिल जाएगी, पीसफुली हम नहीं जाने देंगे, तब तक हम यहाँ पे मरणोपरांत यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। ये राहुल जी के साथ हमारा वादा है और इसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, जितना बजे ऑर्डर देगा हम बैठ जाएगा रोड पे, हमारे राहुल जी बैठ जाएगा, हम उसके साथ बैठ जाएंगे। हम संघर्ष, हमने झगड़ा नहीं करने का, हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का। ये मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र की हत्या नहीं, हमारे धर्म के फॉलोअर्स की हत्या है। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से हक से किसी भी हिंदू को या किसी भी धर्म के इंसान को कोई भी अपने मंदिर में जाने से रोक सकता है? ये बहुत किया है गलत उन्होंने और इसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। असम की जनता इस बात का जवाब उनको जरूर देंगी। हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे और जब तक हमें यहाँ पे पूरी तरीके से जाने की परमिशन नहीं मिल जाएगी, पीसफुली हम नहीं जाने देंगे, तब तक हम यहाँ पे मरणोपरांत यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। ये राहुल जी के साथ हमारा वादा है और इसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। कहाँ से आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे इस समय? आप लोगों को कहाँ से?